मॉर्निंग सो हमारे घर के इस तरफ भी कहीं काम चल रहा है, किसी के घर और उस तरफ भी काम चल रहा है। तो ऐसे वो एमलगेशन दोनों साइड के म्यूजिक इज ब्यूटिफुल, लाइक वहाँ से भी कड़ 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 कड़, यहाँ से भी कड़ 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 कड़, सो इट्स अमेजिंग। ये लंबा चलने वाला है। एंड फैशन देखिए, फैशन के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, बहुत ठंड है, बहुत बहुत। अभी लगना बंद हो गई है, शुरू के 10 मिनट्स आई वाज लाइक मर सकती हूँ मैं, बट अभी ऐसे आदत सी हो गई है। दिल्ली में ना होता है जब फैशन करना होता है तब वैसे ठंड थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, होता है। दिस इज़ फैशन, इज माई पैशन। गाइस, टाइम ही नहीं मिला। सुबह आई स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड फिर इतना हेक्टिक हो गया डे और मैं थोड़ा सा भूल भी गई। एंड आई फाइनली रियलाइज्ड दैट इतना आसान नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ऐसे व्लॉग करना, इवन इफ इट्स फॉर 5 मिनट्स है थोड़ा, बट आई एम ट्राइंग। ओके, मैं सोच रही थी इट्स 6th January और अभी तक मैंने कोई प्लानर और कोई डायरी और ये सब अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है। एंड इट्स अ ग्रेट हैबिट, आई विल टेल यू व्हाई। इफ यू राइट व्हाट यू वांट, व्हाट आर योर डिजायर्स, व्हाट यू हैव टू डू, एवरीथिंग, इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी ट्रू। मतलब अगर वैसे चांसेस कम होंगे, बट इफ यू विल राइट इट विल हैपन। सो इवन इफ यू हैव सम पेंडिंग टास्क, इट कुड बी एनीथिंग। आई विल शो यू माई पुरानी वाली डायरी, लास्ट ईयर वाली। मुझे लग रहा था यूज लगता है कि यार मैं तो सेलफोन में लिख लेती हूँ, जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग। मैं भी इतनी कूल थी जैसे कि आप कूल हो, कि यार कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ओके चिल। एंड फोन में नोट्स में लिख लिया है ना, मैं गलत थी और अभी आप गलत हो। एंड प्रॉब्ली यूल रियलाइज इट नाउ ये वीडियो देख के, और प्रॉब्ली यूल रियलाइज लेटर, आई डोंट नो, बट रिटन वर्ड हेल्प्स, कैन यू से। Anyway, it's nice and the best part about is जो आजकल न्यू डायरीज आ रही हैं कि उसमें डेट और मंथ नहीं लिखा होता, क्योंकि 2020 में हमने यही सीखा है कि बेटा पता नहीं है पूरे साल घर बैठना पड़े कैसे होगा। तो आई लाइक दीज काइंड ऑफ डायरीज जिसमें ऐसे कुछ डेट्स वगैरह का नहीं है, आप खुद डेट लिखो, आप खुद मंथ लिखो, एंड देन यू प्लान अहेड। इसमें सब लिखा हुआ है मैंने, किससे पैसे लेने हैं, क्या है, एवरीथिंग। सो और फिर जब आप टिक ऑफ करते हो ना, वो बेस्ट फीलिंग एवर। और ऐसे मैं रोज नहीं लिखती हूँ प्लानिंग करके, जैसे मेरा एक वीक का स्केड्यूल होता है कि यार मुझे ये, नाउ दिस ब्रांड विच सेंट मी दिस डायरी, ये हर साल भेजती हैं, साल इन्होंने भेजा नहीं है, मैं स्ट्रेस हो गई हूँ। बट आई हैव लोड्स ऑफ डायरीज, बट आई एम सो यूज्ड टू देयर प्लानर्स एंड डायरीज, सो लेट्स सी। अदरवाइज आई हैव सो मेनी टू चूज फ्रॉम। एंड अभी मैं वेट कर लेती हूँ, अभी तक आई एम यूजिंग दिस ओनली, विच इज फाइन, खत्म नहीं हुई है अभी, तो आई एम फाइन विद दैट। बट उसके बाद इवेंचुअली I have loads, and मुझे वो वाली बेस्ट लगती है जिसमें स्टिकर्स होते हैं, सो यू कैन एड ऑन स्टिकर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो एंड इवन द रूल्ड वंस, प्लेन, लाइक वट एवर यू लाइक, छोटी बड़ी जैसा भी, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। मतलब उसको हाफ में डिवाइड कर लो डायरी को, मैं 70% और 30% में डिवाइड करती हूँ, तो 70% इज ऑल माई लिस्ट एंड एवरीथिंग बट आई हैव टू डू, वीडियो आइडियाज एंड एवरीथिंग। आई नेवर राइट स्क्रिप्ट, बिकॉज जब भी मैंने स्क्रिप्ट वाले वीडियो बनाए वो पूप बने हैं, तो आई जस्ट राइट आइडियाज एंड बाकी 30% में वॉट आई यू डिजायर्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने ऐसे किया हुआ है, वट एवर यू लाइक यू कैन डू दैट। काफी कूल चीजें भी की हुई हैं, यू नो, पीपल यू आर ग्रेटफुल फॉर एंड पीपल हु हैव इंस्पायर्ड यू, इवन इफ यू डोंट नो देम पर्सनली। काफी ऐसे मैं खो जाती हूँ तब मैं काफी कुछ लिखती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का मैंने नाम लिखा है जिनको मैं जानती नहीं हूँ, लाइक ऑनलाइन आई फॉलो देम एंड एवरीथिंग, बट इट्स नाइस। एंड ग्रैटिट्यूड लिखना, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता ग्रैटिट्यूड का, बिकॉज वी टेक ऑल ऑफ दिस फॉर ग्रांटेड, ये चलना यार इसमें क्या है, खाना ही तो है, घर ही तो है, रूम ही तो है, बट आई एम ट्राइंग। एंड ऐसे मैं रोज सक्सेसफुल नहीं होती हूँ, ऐसे मेरे सर पर अगर आपको हैलो दिख रहा है तो वो नकली है, इफ आई एम साउंडिंग लाइक अ बुद्धा, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल डू। मानने में ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं और मिस्टेक, डू आई एम परफेक्ट, बट वी ऑल डू। एंड ग्रैटिट्यूड आपको थोड़ा ऐसे जमीन पे ले आता है, चने के झाड़ पे अगर आप खुद चढ़े हुए हो तो दैट्स व्हाई आई तो इसलिए राइट इट। आप कन्विंस हो गए हैं, मैं और बोलूं। एंड व्हाट एल्स, वैसे मैं पूरे दिन हेल्दी खाती हूँ एवरीथिंग, बट खाना आई ऑलवेज ईट हेल्दी, बिकॉज मुझे खाने में आई एम ओके, बट मुझे स्नैक्स का काफ़ी शौक है। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड बी शोइंग दिस यार, बट ये गोलीज, ये जो गंदी रोड साइड गोलीज होती हैं, मतलब रोड साइड से तो नहीं लेती मैं, लेती तो मैं मॉल से ही हूँ, बट यू नो ये राम लड्डूज एंड
अनारदाना गोलीज जो आप लोगों ने बचपन में खाई होंगी, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं खाई बिकॉज मेरे को कुछ अलाउड ही नहीं था. बाहर का बैलून लेना अलाउड नहीं था, ये लेना अलाउड नहीं था. माई पेरेंट्स को लाइक हम बनाएंगे बैलून, हम फुलाएंगे. आई डोंट नो व्हाई, ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड सिंड्रोम प्रॉब्ली. तो अब मैं ऐसी हूँ दैट क्वारंटीन में मेरे को 3 या 4 मंथ से गोलीज नहीं मिली थी, एंड आई एक्चुअली वेंट मैड. मैं यूट्यूब पे जाती थी कि बिकॉज आई एम सो यूज टू हैविंग खट्टा, आई लव खट्टा, आई एम सैलिवेटिंग. सो इफ आई डोंट गेट इट, तो मैं थोड़ी ऐसे, तो मैं ऐसे ना ऐसे 500 की गोलीज ले आती हूँ और मैं एक महीने में सारी खत्म कर देती हूँ, लाइक लोड्स ऑफ इट. अभी मेरे पास 12 पैकेट्स हैं, तो मैं 4 एट अ टाइम खोलती हूँ. एंड देन आई ईट इट. यही है आई गेस मेरी हैबिट. एंड माई पेरेंट्स लाइक वाई यू डूइंग दिस, बट आई लव खट्टा. सो नींबू तो मैं खा नहीं सकती ना, या आंवले कितने खा ले बंदा. तो ये ऐसे लाइक माई स्नैक. Now you know so much about me. If you have any like as a beautiful habit ya kuch, to let me know. Heaven lagta hai mere ko ya. Bachpan mein hi khaya maine fatafat natkhat ye sab, dur se dekhti thi main. Aur uske baad bhi koi ukhad nahi liya, immunity meri abhi tak poop hi hai. Full on jo aise nazuk type nahi hota hai. Kooda. Anyway, I think I should end it. I'll see you when I see you. Be healthy. Acha khao. Aur gratitude likho. Be grateful, okay? Aur aaj please, please, kahin bhi, please. At least write. Anyway, I think I should end it. I'll see you when I see you. Be healthy. Acha khao. Aur gratitude likho. Be grateful, okay? Aur aaj please, please, kahin bhi, please. At least write 5 things you're grateful for. कुछ भी हो सकता है. गुड वाटर, गुड बेड, अच्छी रजाई, वॉचिंग माई वीडियोज, एनीथिंग. ओके, आई सी यू व्हेन आई सी यू. ऐसे बाय कैसे को करता है कोई. ओके.